देखिए, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में जब लोग बाहर से जमीन खरीदने आएंगे, जिनकी को कॉपी आरसी की जरूरत नहीं, किसी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, तो सबसे सबसे पहले उसमें जम्मू का नुकसान होगा, कश्मीर तो कोई जाएगा नहीं। जम्मू का कश्मीर का आपको सिचुएशन पॉलिटिकल हालात मालूम है कैसे हैं, वहां पर जो पॉलिटिकल पार्टीज एक हो चुकी हैं, वो देयर प्लेइंग ऑन द सेक्टेरियन लाइंस। अस्सलाम वालेकुम आदाब, आप देख रहे हैं स्टेट ऑफ, मैं हूं आशिया खान, अभी इस समय मैं प्रेस क्लब एग्जीबिशन ग्राउंड में मौजूद हूं। आप यहां पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि बीजेपी खिलाफ सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, इनसे यही अपील की जा रही है, जो लैंड लॉ आया है ये इनको नापसंद है, उसको लेकर ये आज यहाँ पर भाजपा का पुतला फूंक रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से जो जम्मू कश्मीर है उनका गुस्सा फूटा है। यहाँ पर जो इस प्रोटेस्ट का नेतृत्व है वो हर्षदेव सिंह जी, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन कर रहे हैं, ये उनकी अगुवाई में किया जा रहा है। आप साफ तौर पर यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं यहाँ पर जो गुस्सा है वो किस तरह से लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं, क्योंकि जो लैंड लॉ आया है उसके लिए पीआरसी और डोमिसाइल रिक्वायर्ड नहीं है, तो वही यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर के युवा है इसी चीज को लेकर आज यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो हर्षदेव सिंह जी है उनका साथ दिया है प्रोटेस्ट वालों ने, आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी मात्रा में यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं उनके साथ। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं गगन प्रताप सिंह, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी। हम इनसे जानेंगे कि सर, जो लैंड का ये जो अभी लॉ है कुछ दिन पहले, आप इसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि 370 और 35 से खत्म करने के बाद में आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वो चीजें महफूज हैं जिस तरह से पहले स्पेशल स्टेटस में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में कश्मीर के लोगों को, खासकर जम्मू खित्ते के लोगों को, बहुत बड़ा धोखा दिया है। ये जो लैंड लॉ पास हुआ है, जो अभी नोटिफाई हुआ है गैंगस्टर ऑफ इंडिया में, ये एक ड्रैकोनियन लॉ है। पैंथर्स पार्टी इसका पूरी तरह से खंडन करती है, हम इसका विरोध करते हैं और सरकार में पूरी तरह दबाव बनाएंगे कि जल्दी जल्दी ये लॉ जो रिपील हो सके। देखिए, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में जब लोग बाहर से जमीन खरीदने आएंगे, जिनकी को कॉपी आरसी की जरूरत नहीं, किसी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, तो सबसे सबसे पहले उसमें जम्मू का नुकसान होगा, कश्मीर तो कोई जाएगा नहीं। जम्मू का कश्मीर का आपको सिचुएशन पॉलिटिकल हालात मालूम है कैसे हैं, वहां पर जो पॉलिटिकल पार्टीज एक हो चुकी हैं, वो देयर प्लेइंग ऑन द सेक्टेरियन लाइंस, देयर अगेंस्ट द चेंज ऑफ द डेमोग्राफी इन कश्मीर। तो अब जम्मू में जब ये बाहर के लोग आएंगे, और खासकर जो भू माफिया यहाँ पर फ्लरिश होगा, आपने देखा जम्मू खित्ते में अभी भी जो है रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो फॉरन इमिग्रेंट्स हैं, उनकी सेटलमेंट यहाँ पर इलीगली सेटल हो चुके हैं, और इनके सेटलमेंट होने के बाद जब भू माफिया यहाँ फ्लरिश होगा तो जम्मू के लोग इसमें कुचले जाएंगे। भू माफिया और रोहिंग्या और बांग्लादेशी जैसे फॉरन इलीगल इमिग्रेंट्स के बीच हम लोग कुचले जाएंगे, और जम्मू का पूरी तरह से जो है, जो इन्होंने बहुत बड़ा धोखा दिया है हमें, जम्मू के लोगों को भाजपा ने एक मीठा जहर दिया है। तो हम इसके खिलाफ हैं, इस लॉ के खिलाफ है, इस लैंड लॉ के खिलाफ है, और पूरी तरह पुरजोर हम इसमें प्रेशर बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी पे कि लॉ वापस हो, ताकि जम्मू के लोगों को अपना इंसाफ और हक मिल सके। याद रखें कि भाजपा ने जो कहा था, जब हम अगर 370 हटाएंगे तो लोगों के लिए लैंड और जॉब सिक्योर करेंगे। कहाँ है हमारी लैंड्स, कहाँ है हमारे जॉब्स, जम्मू का कोई शेयर ही नहीं है। एक सवाल यहाँ पर, फिर डोमिसाइल की प्रक्रिया क्यों शुरू की गई? बकवास की बातें हैं, लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। भाजपा बार बार जम्मू के लोगों को धोखा देती आ रही है, इस बार भी उन्होंने बहुत बड़ा धोखा किया है, जम्मू के लोगों को मीठा जहर दिया है। लोगों को अवेयर होना पड़ेगा कि ये भाजपा की चाल है, और हमें पूरी तरह से हमारी कल्चरल आइडेंटिटी को थ्रेट है, हमारे अपने सांस्कृतिक धरोहर है, उस पर एक चिंता करने का अब विषय बन चुका है कि अगर बाहर के लोग यहाँ पर आएंगे और जमीनें खरीदेंगे, हमारी आइडेंटिटी का क्या होगा, हमारे कल्चर का क्या होगा, हमारी डेमोग्राफी को चेंज यहाँ पर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भाजपा जो है एक जम्मू विरोधी नीति के तहत उन्होंने ये जम्मू का लैंड, जम्मू कश्मीर लैंड लॉ ये पास किया है, और पैंथर्स पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है। आज यहाँ पर प्रेस क्लब एग्जीबिशन ग्राउंड में जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के द्वारा प्रदर्शन किया गया, और प्रोटेस्ट का सिर्फ एक ही कारण था, जो अभी कुछ एक दो दिन पहले जो लैंड लॉ जो पास किया गया है, पैंथर्स पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है, और जम्मू कश्मीर के जो कुछ लोग हैं वो इस लॉ से खुश नहीं है। उनका यही कहना है कि जब स्पेशल स्टेटस हटाया गया था और 35 से हटाया गया था, तब जॉब्स की बात हो तो कहा था जम्मू कश्मीर के लिए जॉब्स महफूज रखी जाएंगी, लैंड और प्रॉपर्टीज की बात थी तब भी कहा गया था कि महफूज रखी जाएंगी, तो फ्यूचर में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो वहीं पे आज यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी द्वारा यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा था उसी लैंड लॉ को लेकर, और बाकी भी इनका समर्थन दिया है इनको, बाकी भी लोगों ने यहाँ पर इसी लैंड इशू के लिए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।